वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह। आज के इस वीडियो में आप ये देखोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों के ना मैसेजेस आते हैं और पूछते हैं कि सर क्या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये दोनों एक ही चीज़ है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न, एक्चुअली उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड तक पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आज के बाद ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, आपका टोटली जो अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत यूज़फुल वीडियो है, एंड तक इसको ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? आपको नाम से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स जब कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अभी तक आप क्या करते हो, आप बहुत सारा जो कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो वो ट्रेडिशनल मॉडल बिजनेस का जो यूज़ होता है आप उसके अकॉर्डिंगली परचेजिंग करते हो, बाइंग करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कैसे मतलब? जैसे मान के चलते हैं आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप बाय करते हो, आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, तो क्या आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए? नहीं। आप किसके पास जाते हो? आप जाते हो रिटेलर के पास। और रिटेलर कहाँ से लेके आता है? होलसेलर से। होलसेलर में भी लेके आता होएगा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से, जो भी आपके रीजन का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, जोनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर से, और कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से उठाता है प्रोडक्ट? सारा मैन्युफैक्चरर से। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। आपको मतलब अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको रिटेलर से मिलेगा। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल नहीं यूज़ करती हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर तक खुद प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं सैमसंग, अगर सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिशनल मॉडल को भी यूज़ करती है और डायरेक्ट भी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचा के डायरेक्ट सेलिंग को भी यूज़ करती है। जैसे अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट आप कोई बाय कर रहे हो सैमसंग का, सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप सैमसंग का कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो इसका मतलब आप वो इनडायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। लेकिन अगर आप सैमसंग के खुद के अपने भी ऑफिसेज हैं, अपने आउटलेट्स हैं, अगर आप वहाँ से जाते हो, वहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब वहाँ पे सैमसंग ने क्या किया, आपको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आपको प्रोडक्ट सेल किया। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट सेलिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स जब कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी आप तक खुद प्रोडक्ट पहुंचाती है बिना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को यूज़ किए, इसका मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि प्रोडक्ट को कंपनी ने कस्टमर तक खुद पहुंचा दिया। ठीक है, आज की डेट में ये इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की आप कह सकते हो कि बिगेस्ट मार्केट है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा है और आने वाले सालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग ही है। मतलब यहाँ पे भी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को पहुँचाती है कस्टमर तक खुद, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का फर्क होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग पहले यूज़ की जा रही थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सैमसंग यूज़ करता है कि अपने खुद के ऑफिसेज या आउटलेट खोले और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया और कस्टमर वहाँ से बाय कर रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी बहुत सारा पैसा उसको वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होएगी वो मार्केट में सेल होएगा। यही नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कहती हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, जो बड़े बड़े स्टार्स को पे करना है पैसा, हम लोग उनको नहीं पे करके हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा सेटिस्फाइड कस्टमर है, जिसने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया और हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा हैप्पी है, संतुष्ट है, वो ही एक्चुअल में हमारा रियल प्रमोटर है। तो वहां पे क्या कहती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक तो आप अगर आप प्रोडक्ट लेगे हमारा तो वो तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी मार्केट में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि कंपनी मानती है कि हमारा प्रोडक्ट यूजर ही, हमारा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड कस्टमर, वो ही हमारा सबसे बेस्ट प्रमोटर हो सकता है, तो वो ये कस्टमर को अपने कहती है कि आप ही हमारे साथ आ जाओ बिजनेस में, यानी कि आप ही हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करो। उसका फायदा क्या होएगा? उसका फायदा ये होएगा कि हम लोग आपको वो पे आउट पे करेंगे जो हमने किसी स्टार को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रख के उसको पे करना था। तो अब इसका फायदा क्या होएगा? इसका फायदा ये होएगा, इसमें कंपनी भी विन विन सिचुएशन में है, यानी कि दोनों विन विन सिचुएशन में है, कंपनी भी और कस्टमर भी। कस्टमर को ये बेनिफिट है कि अगर वो प्रमोट करेगा, अगर वो प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो उसको उसके ऊपर पे आउट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, उससे उसकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है
ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है आज पूरी दुनिया में, आप कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। अब कंपनी को ये बेनिफिट है कि उसको एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट की एडवांस में कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ी, उसका सेटिस्फाइड कस्टमर ही उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, और इसका उसको ये भी बेनिफिट होता है क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर को जब पेआउट्स भी आते हैं उसको एक एडिशनल इनकम सोर्स मिल गया, उसको अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करता है जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और कस्टमर को ये बेनिफिट हो रहा है कि ऑब्वियसली उसको पे आउट्स आ रहे हैं, तो फर्दर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये सिस्टम चलता है और जिस जिसको भी प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो फर्दर आप कह सकते हो एज अ प्रमोटर कंपनी के साथ काम कर रहा है, जिससे कंपनी का भी बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रो करता है और ऑब्वियसली जो कस्टमर है जो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ काम कर रहा है उसको भी बहुत बड़ा इनकम बेनिफिट होता है, और इसके अलावा भी कंपनी बहुत कुछ उसको पे करती है टू वर्क एज अ बिजनेस पर्सन, राइट। सो दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो एक्चुअल में है वो भी डायरेक्ट सेलिंग का ही पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, राइट। और इसमें बेनिफिट कस्टमर का भी है और कंपनी का भी है। कंपनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और कस्टमर को अगर वो कस्टमर प्रमोटर के तौर पे भी काम करता है तो बेनिफिट कस्टमर को ये है कि उसको भी इनकम एक्स्ट्रा अर्न करने का या फुल टाइम इनकम अर्न करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको मिल गई। तो दोनों विन विन सिचुएशन में है, और ये मॉडल आज की डेट में इसको चलते हुए 50-55 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली अब तक काम कर रहा है, और आगे की भी इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्रो होने वाला है। तो सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि उसके पास एक एडिशनल इनकम सोर्स बन गया, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये जो इनकम सोर्स है उसके लिए जो एडिशनल इनकम सोर्स बना है कस्टमर के लिए ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में अगर किसी भी पर्सन को किसी सक्सेसफुल किसी अच्छी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो उसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है मार्केट में उसका नाम है चल रही है कंपनी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली नहीं मिलती, आपको भी पता है कि उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आप कह सकते हो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, यानी कि आप कह सकते हो कि वो फिर रिच लोगों के लिए ही वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम स्टार्टिंग कॉस्ट के साथ आप कह सकते हो कुछ थाउजेंड रुपीज़ के साथ, इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी आपको कंपनी का पार्ट बनने का मौका देती हैं। यहाँ पे आपको कोई वेयर हाउसेज नहीं चाहिए होते, आपको कुछ स्टोर्स नहीं अपने लिए मेंटेन करने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, राइट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी कोई इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शोरूम नहीं खोलना है, कोई शॉप नहीं खोलनी, आप घर से इस काम को कर सकते हो, आपके पास कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं, और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के, उसका एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, मेरे चैनल के ऊपर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो ताकि आपको और ज्यादा बेटर पता चल सके कि नेटवर्क मार्केटिंग के और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने खुद के आउटलेट्स खोल के एडवर्टाइजमेंट करती हैं बहुत सारा, और कस्टमर डायरेक्टली उनके पास जाता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनीज खुद के आउटलेट्स तो खोलती हैं लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कॉस्ट नहीं स्पेंड करती हैं, वो कहती हैं कि मेरा कस्टमर ही मेरा एक बेस्ट प्रमोटर है और वो अगर मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो वो जो पैसा मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड करना था वो मैं पे करूंगी अपने ही कस्टमर को, ताकि उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो और ज़्यादा डेडिकेटेडली काम को करे। तो दोनों का बेनिफिट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है आपको, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर फिर भी कुछ मिस हो गया है या आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी अगेन बहुत बढ़िया यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।